हाय एंड वेलकम टू नाइफ एंड कैमरा। आज भारत ने बहुत सारे चाइनीज ऐप बैन कर दिए, पर चिली चिकन और नूडल्स को बैन देखे नहीं किया, तो आज वही बनाते हैं। आज हम बनाएंगे चिली चिकन एंड हक्का नूडल्स, मगर वो चार बोतल वाला चाइनीज नहीं जो आजकल आपको हर जगह मिलता है। सोया सॉस, चिली सॉस, अजीनोमोटो और एक टमाटो केचप बना के बना दिया चिली चिकन और फ्राइड राइस या हक्का नूडल्स। आज हम बनाएंगे ओरिजिनल ऑथेंटिक चिली चिकन एंड हक्का नूडल्स द वे दे आर डन इन चाइना। एंड दिस रेसिपी आई हैव लर्न फ्रॉम शेफ जॉन, वन ऑफ द वेरी फेमस शेफ ऑफ चाइना। रेसिपी थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि ओरिजिनल है। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं बना रहा हूं ताकि ईच एंड एवरी स्टेप को आप देख सके, समझ सके। रेसिपी को अंत तक देखिएगा, विश्वास मानिए, इसको अगर आप फॉलो करते हैं, इसको आप बनाते हैं, यू विल एक्चुअली मेसमराइज योर गेस्ट। चलिए शुरू करते हैं चिली चिकन एंड हक्का नूडल द ओरिजिनल वे, नॉट द चिंडियन वे, लेकिन इस म्यूजिक के बाद। चिली चिकन बनाने के लिए आज मैंने ले लिया है एक समूचा चिकन। इसकी स्किन एकदम इंटैक्ट है और आज हम चिकन को स्किन के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए एक टूर कर लेते हैं हमारे कुछ स्पाइसेस का। ये है स्कैलियंस या हरा प्याज, इनको मैंने काट के पहले से रख लिया है। और अब आ गया हमारा स्टार एनिस, बहुत ही फ्लारी फ्रूटी फ्लेवर देता है ये खाने को। इसका इस्तेमाल आज हम चिकन में करेंगे। और ये हैं पीनट्स, इनको हम फ्राई करेंगे विद द स्किन, और इनका इस्तेमाल भी आज चिली चिकन में ही होगा। है ना कुछ अलग रेसिपी। और ये हैं सीसमी सीड्स या सफ़ेद तिल, और ये हैं कुछ सूखी हुई लाल मिर्च, इनको हम बारीक काटेंगे और कुछ समय के लिए पानी में भिगो के रखेंगे ताकि इनकी हार्शनेस निकल जाए। और ये हैं चॉप्ड गार्लिक, गार्लिक का प्रयोग काफ़ी होता है चाइनीज कुकरी में। और यह है सेजवान सॉस, ये आप कोई बाजार की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नूडल्स के लिए कुछ जूलियंस ऑफ वेजिटेबल लाइक कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज एंड अनियंस, इनका इस्तेमाल आज हक्का नूडल्स बनाने में होगा। अब देखिए, ये है हमारे आज के नूडल। ये सुपर स्पाइसी नूडल्स हैं जो इम्पोर्टेड हैं और थाईलैंड के बने हुए हैं। वैसे आप कोई भी नूडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है वनीला का कस्टर्ड पाउडर और ये है कॉर्नफ्लावर। हाँ जी, आज कस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल होगा। ये है साहब सीसमी सीड ऑयल, ये थोड़ा स्मोकी फ्लेवर का होता है, इसका इस्तेमाल हम आज काफ़ी यूज करेंगे। और ये है साहब पांडा की ऑयस्टर सॉस, ये एक पिक्यूलियर फ्लेवर देगी। और ये है हमारी फिश सॉस जो ऑयस्टर फिश की बनी हुई है। तो ऑयस्टर सॉस और ऑयस्टर फिश सॉस हम दोनों ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये है डार्क सोया सॉस, ये पॉक चॉय की मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये सिंथेटिक विनेगर। चलिए अब चिकन के कुछ पीसेस कर लेते हैं। चिकन को हम विद स्किन ही काटेंगे और इसके आप अपनी मर्जी से छोटे अथवा बड़े पीसेस रख सकते हैं। मैं आज मीडियम कट के पीसेस ही इस्तेमाल करूँगा। नाइफ का इस्तेमाल थोड़े ध्यान से करिएगा, हाथ कटने का डर हमेशा बना रहता है। आप चाहें तो सेंटर बोन को रिमूव भी कर सकते हैं, मगर मैं आज पूरा चिकन ही इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं कुछ भी पार्ट वेस्ट नहीं करूंगा। अब बारी है चिकन का कुछ मैरिनेट करने की, तो ले लिए दो अंडे, उनका एग योक और एग वाइट हम दोनों ही इस्तेमाल कर रहे हैं आज के इस मैरिनेशन में। और ये डाल दिया थोड़ा चिली ऑयल, जो सेजवान सॉस बनाते समय ऑयल ऊपर फ्लोट करता है। और डाल देंगे कुछ हमारा सिंथेटिक विनेगर, आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सीसमी सीड ऑयल, ये एक पिक्यूलियर स्मोकी फ्लेवर देगा हमारे चिकन को। और ये डाल दी थोड़ी सी मैंने साथ में फिश सॉस, और ये डार्क सोया सॉस। अगर आपको डार्क सोया सॉस ना मिले तो आप नॉर्मल सोया सॉस भी इस्तेमाल कर सकिए। और साथ में थोड़ा डाल दिया फ्रेश क्रश्ड ब्लैक पेपर, और ये है वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर, ये एक थोड़ा फ्रूटी फ्लेवर दे देगा हमारे चिकन को। और डाल दिया कॉर्नफ्लावर, वैसे कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर बना कॉर्नस्टार्च से ही होता है। और डाल दिया मैंने थोड़ा सा नमक, और अब इसको मिला के करीबन एक से डेढ़ घंटा हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप ओवरनाइट रखना चाहें
तो दी बेस्ट है ये। अब हम चिलीज के कुछ कट्स बना लेंगे और कट करते हुए हम इसको एक बोल में इकट्ठा कर लेंगे। ऐसा करने के बाद हम चिली को थोड़ा सा हिलाते हुए सीड्स को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें सीड्स की आवश्यकता नहीं। अब इस चिली में हम डाल देंगे थोड़ा सा हॉट वाटर। ये पानी को आप दो तीन बार रिप्लेस कर दीजिएगा ताकि इसकी हार्शनेस निकल जाए। उसके बाद चिलीज में मिला दी सीसमी सीड्स, थोड़ा चॉप्ड गार्लिक, और अब मिला दिया इसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर। अब हम क्या करेंगे, डाल देंगे थोड़ा सा चिली ऑयल इसमें। चिली ऑयल थोड़ा सा पंजेंट फ्लेवर दे देगा हमारे इस पर्टिकुलर रेसिपी को। और ये ले लेंगे एक एग, और खाली एग वाइट का इस्तेमाल करेंगे। एग योक हम किसी और चीज़ का इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। ये सब डालने के बाद अब इसे हम हाथ से एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद इसके कुछ छोटे छोटे बॉल्स बना के इसको हम फ्राई करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम बना तो रहे हैं चिली चिकन, तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा? साहब, इसका इस्तेमाल आज की हमारी रेसिपी में ही होगा। चिली चिकन में ये बहुत ही टेस्टी देते हैं। आज की रेसिपी मैंने शेफ फुंगली से सीखी थी। शेफ फुंगली चाइना के ही हैं। और ये डाल दिया इसको मैंने रिफाइंड ऑयल में फ्राई करने के लिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इस पर बेकिंग सोडा डाल के इसको और सॉफ्ट बना सकते हैं। मैं आज इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से आप चाहें 5-6 बॉल्स बना लें। आज जितना मिक्सचर मेरे पास है लगभग इससे 7-8 बॉल बन ही जाएंगे। इसको धीमी आंच में फ्राई कीजिएगा। इनका सख्त होना जरूरी है क्योंकि ये आपके चिकन में एक क्रंची फ्लेवर देंगे और बहुत ही अलग फ्लेवर्स के साथ अलग ही चिली चिकन होगा। इसको ड्राई जरूर कीजिएगा। हमारे बॉल्स जो बने हुए चिली के और सीसमी सीड्स के अब फ्राई हो रहे हैं। इसके बाद इन्हें एक पेपर टॉवल पे हम निकाल लेंगे ताकि इनका एक्सेस ऑयल ड्रेन आउट हो जाए, और इसको अलग से स्टोर करके रख लेंगे। इसका इस्तेमाल अब बाद में होगा। अब बारी है साहब चिकन को फ्राई करने की, जिसको हमने 1-1.5 घंटा मैरिनेट किया था। ऑयल को धीमी आंच पे फ्राई कर लीजिएगा। स्किन के साथ लगे रहने की वजह से आपका चिकन बहुत ही जूसी बना रहेगा। इसकी सॉफ्टनेस अंत तक बरकरार रहेगी। चिकन को फ्राई करने के बाद एक बोल में ट्रांसफर कर लें। तो अब देखिए लगभग सब तैयारी हो चुकी है। चिकन फ्राई हो गया, हमारे चिली बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब बचा है सिर्फ नूडल्स। नूडल्स को भी बॉयल करना होगा। बॉयल करने के बाद हम नूडल्स में थोड़ा सा सीसमी ऑयल मिला देंगे। इससे हमारे नूडल्स में एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। आप अगर चाहें तो मार्केट के नूडल्स भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। वैसे आजकल मार्केट में फ्रेश नूडल्स बने हुए भी मिलते हैं। मैं पैकेट के ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक फोक की मदद से इसे स्टर कर लें ताकि नूडल्स आपस में ना चिपकें। अब एक वॉक में थोड़ा ऑयल डाल के डाल दी मैंने कैप्सिकम्स, और साथ में डाल दिए थोड़े अनियंस। अनियंस को मैंने 1/2 या 1/4 उनके साइज के हिसाब से ही काटा है। थोड़ी देर बाद इनको हाई फ्लेम में हम टॉस कर लेते हैं ताकि थोड़े पार्शियल कुकिंग हो जाए। चाइनीज फूड में वेजिटेबल थोड़ी क्रंची ही रहती हैं। और डाल दिया थोड़ा गार्लिक जो चॉप करके मैंने पहले से रखा था। आप देख रहे होंगे कि मैं जिंजर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ इसमें। और डाल दिया थोड़ा मैंने स्टार एनिस, ये एक अलग सा फ्रूटी फ्लेवर देगा। और साथ में मैंने डाल दिया थोड़ा सिनेमन स्टिक्स। इस पर्टिकुलर रेसिपी में ये दो स्पाइसेस का यूज काफी अच्छा रहता है। और डाल दिए मैंने थोड़े से चॉप सूखी हुई ग्रीन रेड चिलीज, उनकी सीड्स के साथ भी इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और साथ में डाला मैंने थोड़ा सा चिली ऑयल। अब इनको फिर से थोड़ी देर पकाएं और डाल दें अपना चिकन, इसको फ्राई करके हमने पहले से रखा हुआ है। अब बारी है थोड़ा सीसमी सीड ऑयल जाने की। इस्तेमाल करके देखिएगा, इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अलग चिली चिकन है ये। और डाल दी थोड़ा सी डार्क सोया सॉस। ऐसा चिली चिकन आपके नेबर में भी किसी ने नहीं खाया होगा। और ये है साहब थोड़ी सी फिश सॉस, उसको भी डाल दीजिएगा। फिश सॉस का फ्लेवर सबको पसंद नहीं आता। अगर आपको भी ना पसंद हो तो छोड़ सकते हैं।
ये डाल दी मैंने ऑयस्टर सॉस। ये दोनों ही सॉस ऑयस्टर सेलफिश से बनी है और डाल दिया मैंने कुछ सिंथेटिक विनेगर, ये आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और कुछ स्कैलियंस जिनको पहले से काट के रखा हुआ था, यानी कि हरा प्याज। अब बारी है इन सबको एक अच्छा सा टॉस देने की। उससे पहले हम डाल देते हैं थोड़ी सी चिली पेस्ट, ये रेड चिली का बना हुआ पेस्ट है, और थोड़ा सॉल्ट, याद रखिएगा सॉल्ट हमारे मैरिनेशन में भी था चिकन में, तो उसके हिसाब से सॉल्ट टू टेस्ट आप देख लीजिएगा जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब इनको हाई फ्लेम पे टॉस करें और अब डाल दें इसमें फ्राइड पीनट्स और हमारे चिली बॉल्स जिनको हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ है। यही है यूनिकनेस इस रेसिपी की। ये चार बोतल का चाइनीज नहीं है जो आप बाजार में अक्सर देखते हैं, यह है एक्चुअली एक ओरिजिनल चाइनीज। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और डाल दिया थोड़ा सा पानी ताकि हमारी सॉसेस आपस में मिक्स हो सकें। अब हाई फ्लेम पे इसको थोड़ी देर कुक करते रहें और डाल दें थोड़ी सी शुगर, ये बाकी फ्लेवर्स को एनहेंस करने के बहुत अच्छी होती है। शुगर का इस्तेमाल चाइनीज कुकिंग में होता ही है, आपको पता है जैगरी का इस्तेमाल भी होता है चाइनीज कुकिंग में, कैंटोनीज चाइनीज में तो कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल होता है, और ये थोड़ा कॉर्नस्टार्च ताकि हमारी जो सॉस आपस में बाइंड हो जाए। अब हाई फ्लेम पे कुक करते हुए सॉस को थिकन होने दें। अब हमारा चिली चिकन लगभग तैयार है, आप चाहे तो इसको टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर कुछ कम लगे तो उसको मिला लें। अब बारी है हमारे नूडल्स को बनाने की। गरम तेल में डाल दिया थोड़ा चिली ऑयल, चिली ऑयल के साथ थोड़ी सी स्टार एनिस और गार्लिक भी चली गई, देखिए गार्लिक को थोड़ा कुक होने दें, अगर आप थोड़ा बर्न फ्लेवर चाहते हैं तो गार्लिक को थोड़ा ब्राउन भी कर सकते हैं, वो आप अपनी नीड के हिसाब से देख लीजिएगा। गार्लिक को चलाते हुए इसको थोड़ा सा कुक होने दें। गार्लिक पकते हुए जो खुशबू आती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसमें डाल दिया मैंने थोड़े से स्लाइस करी हुई सूखी लाल मिर्च। अगर इतनी लाल मिर्च जो मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको ना पसंद हो तो कुछ आप कम भी कर सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। देखिए कुकिंग कोई हार्ड एंड फास्ट रूल पर नहीं चलती, बहुत कुछ इंडिविजुअल टेस्ट पर भी डिपेंड करता है। और ये अब डाल दी जूलियंस ऑफ वेजिटेबल जैसे कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज, अनियंस, ये नूडल्स को एक बॉडी देंगे और न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ाएंगे। अगर आपके पास पिमेंटोज हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके नूडल्स और भी कलरफुल हो जाएंगे। अब हाई फ्लेम पे इनको थोड़ा सा स्टर फ्राई करें, याद रखें हमें वेजिटेबल्स को बहुत देर तक नहीं पकाना है और हाई फ्लेम पे ही पकाना है, नहीं तो आपके वेजिटेबल सौगी हो जाएंगी और नूडल्स बेकार हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे ये तो आपने बताया ही नहीं। आप देखते होंगे कि होटल्स में यूजुअली जो चाइनीज रेंज होती है वो तो काफी हाई फ्लेम की होती है ताकि पानी सिक्रीट होने से पहले ही उड़ जाए, नहीं तो आपके वेजिटेबल सौगी हो जाएंगे, वो हम चाहते नहीं है। उसके बाद अब हमने डाल दिए इसमें नूडल्स जो मैंने पहले से बॉईल करके रखे थे। आपने देखा था कि मैंने नूडल्स में थोड़ा सा सीसमी ऑयल पहले से मिलाया था। सीसमी ऑयल आपको अमेज़न पे आराम से मिल जाएगा, वैसे तो आजकल कई सुपर स्टोर्स में भी ये अवेलेबल है। अब ये कोई खास इंग्रेडिएंट नहीं रहा, हर जगह मिल जाता है। मैंने दोबारा से डाल दिया थोड़ा सा सीसमी ऑयल क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर फ्लेवर को ही चाहता हूँ अपने नूडल्स में। फ्लेम को तेज रखें ताकि वाटर साथ साथ एवेपरेट होता रहे, और ये डाल दिया थोड़ा सा मैंने विनेगर। अब बारी है साहब थोड़ी सी फिश सॉस जाने की, मगर आपको अगर ना पसंद हो तो जरूर अवॉइड कर दीजिएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर मेरा काम है आपको ओरिजिनल रेसिपी दिखाना, वो तो मैं आज आपको दिखाऊंगा ही। और डाल दी मैंने थोड़ी सी डार्क सोया सॉस। सोया सॉस थोड़े अच्छे ब्रांड की यूज कीजिएगा। और ये डाल दी थोड़ा सा फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर, आप देख पा रहे होंगे मैं वाइट पेपर का इस्तेमाल इस रेसिपी में नहीं कर रहा हूँ। अब नूडल्स को हाई फ्लेम पे थोड़ा सा स्टर फ्राई करते रहें ताकि नूडल्स, वेजिटेबल्स, हमारे सॉसेस
अच्छी तरीके से आपस में मिल जाए। आप देख पा रहे होंगे कि नूडल्स कितने कलरफुल दिख रहे हैं, मगर थोड़ा सा एक इंग्रेडिएंट अभी भी बाकी है इसमें। हम इसमें एक एग भी डालेंगे, मगर आप चाहते हो ना डालना तो ना डालिएगा, वो आपकी मर्जी पे है। पर आज मैं डाल रहा हूँ, तो देखते हैं कैसे लगते हैं ये नूडल्स एग के साथ। हाई फ्लेम पे इन्हें कुक करते रहें। देखिए, मैं इस रेसिपी को आगे फास्ट फॉरवर्ड करके इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि चाइनीज में हर स्टेज ऑफ कुकिंग को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। इस रेसिपी को थोड़ा पेशेंस से देखिएगा, आगे आप स्किप करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको। ये मैं जो स्पेस बना रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं एक एग को फ्राई करूँगा। नूडल्स को मैंने अपनी वॉक में एक साइड पे कर दिया। अब जो ये स्पेस बन गई, ये एक नॉनस्टिक की सरफेस की तरह होगी और यहीं पे मैं अपना एक एग पकाऊंगा। और ये एग पकेगा इन नूडल्स के सीक्रेटेड ऑयल से ही, तो आप समझेंगे कि कितना अच्छा फ्लेवर आएगा उस पर्टिकुलर एग में, क्योंकि उसमें होंगे सारे फ्लेवर्स हमारे नूडल्स के, वेजिटेबल्स के, फिश सॉस के, डार्क सोया सॉस के। अब एक एग को आप डायरेक्ट ही इस पैन में ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसे एक बार हल्का सा विस्क करके भी यूज़ कर लीजिएगा, ऐसा करने से वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएंगे। पर मैंने अक्सर देखा है विस्क करने से वो अच्छे से नूडल से मिक्स नहीं होते, क्योंकि उनकी फ्लफीनेस नूडल से उसको अलग कर देती है। अंडे को अच्छी तरह से पकने दें। इसके बाद हम एक अंडा और इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों अंडे एक साथ ही क्यों नहीं डाल दिए। इसकी भी एक वजह है, दोनों अंडे अगर मैं एक साथ डाल दूंगा तो हो सकता है कि वो ठीक से ना पके और पकने में भी वक्त ज़्यादा लगेगा। आप दूसरा अंडा थोड़ी देर बाद डालिएगा। अब इस अंडे के फ्लेवर में भी फर्क आ जाएगा, क्योंकि पहले अंडे को जूसेस ज़्यादा मिले हैं उस पैन में जो थे, और दूसरे अंडे को कुछ कम मिलेंगे। तो अंडे का भी दो फ्लेवर्स आपको इस पर्टिकुलर नूडल में अलग अलग स्टेज पर डालने से मिल जाएंगे। अगर आपको दो दो अंडे अलग अलग पकाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा लग रहा हो तो आप एक साथ भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। मेरा काम है आपको सही चीज़ दिखाना। अब नूडल्स को अच्छी तरह से एक बार फिर से स्टर फ्राई कर लें, ताकि एग, वेजिटेबल्स और जो भी मॉइस्चर था वो निकल जाए और एग और नूडल्स अच्छे से मिल जाएं। सब कुछ पक जाने के बाद अब बारी है इसकी प्लेटिंग करने की, जो आज हम बहुत ही सिंपल रखेंगे। मेरा मकसद आपको खाना बनाना सिखाना है। वैसे आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, और जो एक घंटी का आइकन है ना, उसको दबाना मत भूलिएगा। सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। नूडल्स तैयार हैं, चिली चिकन तैयार है, चलिए इनको अब परोस देते हैं बहुत ही साधारण तरीके से, और गरम गरम पका के गरम गरम खाइएगा। बहुत ही अलग रेसिपी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिए, और रेसिपी को अंत तक देखिए। ये बहुत ज़रूरी है कुकी की रेसिपीज में। अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, स्किप करेंगे, तो शायद कोई पार्ट छूट जाए आपसे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप लगा दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा इस बार, मोटिवेशन बना रहता है। मैंने आज चिकन विद बोन इस्तेमाल किया था। वैसे अगर आपको बोनलेस पसंद हो तो आप बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में थोड़ा कन्वीनियंस हो जाएगा। नूडल्स हमने बना के पहले से रख दिए थे, अब उनको हम इस प्लेट के साइड में परोस देंगे। ये नूडल्स एग बेस्ड नूडल्स हैं। आजकल मार्केट में विदाउट एग नूडल्स भी मिलते हैं, आप चाहे तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नूडल्स को गरम गरम प्लेट में परोस दें, और चाहे तो थोड़ा सा स्कैलियन से इसे गार्निश कर दें। नूडल्स का मजा उठाएं। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, कुछ कमेंट जरूर छोड़िएगा। मुझे लगता है एक यूनिक रेसिपी मैंने आज बनाई है आपके लिए। अगर अच्छी लग रही है तो कुछ इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। कुछ आपको चीज़ ना पसंद हो उसको भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। अगली रेसिपी में फिर मिलते हैं। नमस्कार।